कि एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में कुछ कार्ड्स रखे हुए, तो 10 कार्ड्स पर ए प्रिंट है और अगेन 10 कार्ड्स पर बी प्रिंट है, तो टोटल 20 कार्ड्स हुए। तो अगर 10 कार्ड एट रैंडम निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, ओनली 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करके ही हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकाली हुई। ये कैसे होता है, इनके पीछे एक कंसेप्ट होता है, लेकिन वो कभी वीडियो में बात करेंगे अपन उस पर सेपरेटली, क्योंकि ये आप ध्यान रख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी 1/2 का अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि 1/2 का स्क्वायर, अगेन 1/2 का क्यूब, अगेन 1/2 का क्यूब, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो वाई दिस इज कि ए कार्ड भी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि दोनों पर ए ए प्रिंट हो जाए, है ना, तो दोनों पर ए प्रिंट हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी 1/2 1/2 है ना। और यहाँ पर क्या है, ए आने की पॉसिबिलिटीज 1/2 है और बी के आने की पॉसिबिलिटीज भी 1/2 है, अगेन ए आने की पॉसिबिलिटीज भी 1/2 है, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 तो 1/2 का क्यूब हो गया। यहाँ पर क्या हो गया कि हो सकता है कि बी कार्ड आ जाए और दो दो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये रिप्लेसमेंट टिल द ए इज नॉट गेट, यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी आपने कार्ड को खींचा, देखा कौन सा है और वापस आपने उसके अंदर डाल दिया, तो ये रिप्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर और फिर ए की पॉसिबिलिटीज भी क्या है, 1/2 है, बी की भी 1/2, क्योंकि जैसी बात है कि दोनों इक्वल अमाउंट्स में है, ए बी 10 है, बी भी 10 है, तो एंड सॉन एंड सॉन और किया और ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये निकाला और यहाँ दैट सॉल्व। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल कुछ नहीं है, ये वही पूछ रहा है कि इसका कौन सा टेंजेंट नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि एक वाई एक्सिस पर 0.4 पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है और पास हो रहा है 2.0 से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेंजेंट, इसको निकाला अपन ने कुछ नहीं, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल गए। ये तो सर्कल का इक्वेशन है, सभी को पता है ये क्या है, वृत्त का इक्वेशन है सर्कल का, और इसको लगा और पासिंग थ्रू 2.0, तो यहाँ से एज की वैल्यू निकल जाएगी, एज की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 5 या एक्जैक्टली 5 भी आ सकती है, ये आपके पास 5 आई एज की वैल्यू, किसकी एज की वैल्यू 5 आ गई है ना, तो ये सेंटर 5 पर फोर्स पास हुआ, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऑप्शन को चूज करके दैट्स ऑल ये आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आता है कि थर्ड वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है कि पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी, और एक एक फैमिली दी गई है इक्वेशन की, कौन सी, x+4y − 2z = 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आर क्यूब और अल्फा प्लस बीटा की इज लाइन इन आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर निकला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का इक्वल टू वैल्यू पूछा गया, तो नथिंग बट एक ट्रेंगल ले लो जो कि उसके एक्स और वाई की जो कोएफिशिएंट है उनका ट्रेंगल ले लिया, और एक्स वाई जेड होगा ना, तीनों है तो कहाँ पर है, एक्स वाई जेड है, तो उन सभी का ट्रेंगल ले लिया, उसमें अल्फा आ गया, है ना, अल्फा आ गया, सॉल्व करा तो अल्फा की वैल्यू -3 आई। सिमिलरली बीटा के लिए क्या हो जाएगा, जेड को छोड़ दिया जाएगा इसमें, ठीक है, यानी कहने का अर्थ कि एक्स अब एक्स वाई और जेड है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि एक्स वाई और जेड जो था इसको छोड़ा और 1 बीटा 5 इसका क्या लिया अपने, डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, यानी एक सारणिक लिया, डिटर्मिनेंट लिया, तो यहाँ से अपने बीटा की वैल्यू फाइंड की, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, दोनों को ऐड किया तो ये -3 है, तो टोटल कितनी आ रही, 10 आ रही, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 10 10 10 आपके पास थर्ड सेटिस्फाई कर रहा है वाला ऑप्शन, दैट्स ऑल। इसके बाद तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कहने का था आपको इसमें थोड़ा सा अपना सेंस लगाना होगा। स्फेरिकल आयरन बॉल है और 10 सेंटीमीटर से क्या है रेडियस है, इज द कोएटेड, यानी कोई एक फिल्म को उस पर क्या करते हैं पॉलिश कर देंगे, कोएटेड विद ए लेयर ऑफ द आइस ऑफ यूनिफॉर्म, कितनी 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 थोड़ा सा इधर चलते हैं, विद द थिकनेस दैट मेल्ट्स एट द रेट 50 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 50 सेंटीमीटर कम हो जाती है उसकी लेयर एक मिनट के अंदर, ठीक है, तो वेन द थिकनेस इज आइस 5 सेंटीमीटर देन द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर मिनट एट विच द थिकनेस ऑफ आइस इज डिक्रीजेस, यानी रेट पूछा गया, तो आंसर तो इसका फर्स्ट दिया गया, लेकिन कैसे मैं समझाता हूँ, यानी जो थिकनेस अपन ने एक्स मान ली, तो टोटल जो रेडियस कितनी थी आर थी, और अब उस पर थिकनेस एक्स आ गई, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + x, टोटल उसकी रेडियस हो जाएगी, यानी उस बॉल की प्लस उस बर्फ की यानी आइस की दोनों की, यानी ये अपने पास बॉल हुई और इस पर अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ कर देता हूँ, ये अपने पास बॉल है और इस पर अपन ने लगा दिया है, ये आपके पास क्या हो गया एक्स हो गया, और ये तो रेडियस थी उसके आर, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक कि r + x हो गई, ये तो r + x है और r कितनी है 10 है, तो 10 + x का क्यूब, और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला था, इसको अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, इससे इससे क्या आएगा अपने पास रेट आ जाएगा, dv/dx करेंगे तो क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा, और अगर रेट डिस्टेंस के टर्म में निकाले तो एक्स करेंगे और टाइम के टर्म्स में निकाले तो टी करेंगे, तो अपन रेट पूछा गया यानी टाइम के टर्म तो dt कर लेंगे, है ना, तो दोनों से ही आ जाता है, ये अपने पास क्या dv/dt और इसका डिफरेंशिएट करा और dx/dt, तो ये तो क्या होगी वेलोसिटी होगी dx/dt और dv/dt रेट दे रखी उन्होंने 50, है ना, और ये x = 5 दिया गया, यहाँ से सॉल्व कर दो dx/dt जो रेट डिक्रीजिंग रेट है एक्स का वो अपने पास 1/18 पाया गया, जो भी ऑप्शन होगा उसमें से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन में आपके पास आया गया कि एक मैट्रिक्स दिया गया है और बी का एडजॉइंट ए का दिया गया और सी और 3 है, ये कुछ कुछ कंडीशन दी गई है, यहाँ से सॉल्व करने को बोला उसने, तो ए को जो दिया गया है इसके साथ ही अपन करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला क्योंकि डिटर्मिनेंट का भी यूज होने वाला है इसमें, तो वो आया 6, एडजॉइंट ए करने के बाद सिंपल सा लॉजिक लगाया और एडजॉइंट बी अपन डिटर्मिनेंट सी और ये रखा और ये अल्टीमेटली कितना आता है आपके पास 8 आता है। ये कैसे आता है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया गया तो ए का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है आपको, उससे आपको जस्ट बी को रिकवर करना है, लेकिन ए दिया गया है तो सी आप क्या कर लोगे, यहाँ से रिकवर कर लो, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है ना, 27 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अल्टीमेटली क्यूब सॉरी, यानी जो भी दिया गया आपके पास 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपके पास 27 आ जाएगा, एंड देन फाइनली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 8 आ रहा है ना, 8 जो भी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन लगा दीजिएगा। 6 क्वेश्चन में आपसे बात करता हूँ, तो इसमें दो चीज़ दी गई है कि एक इस रेंज में अगर आपका फंक्शन फॉल करता दिया आएगा और अगर x = 0 हुआ और कंटिन्यूस हुआ देन a+b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल b हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आएगा x पॉजिटिव रहा, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ x 0 है और यहाँ x पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू 1 से यानी 0 से ज़्यादा है, दैट्स ऑल। तो
जो वैल्यूज आनी चाहिए, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, और ए प्लस टू बी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो इसमें सपोज को सॉल्व करना है। एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, इन्होंने तो नहीं मतलब कहना कहा था कि यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल से भी कर सकते, क्योंकि 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर केसेस बनता है तो आप क्या कर पाओगे इसमें, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर सिंपल वैल्यू रखना चाहिए या न भी रखो तो उससे आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि साइन सी प्लस टू ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दो नीचे का डिफरेंशिएशन कर दो तो उससे आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है ये क्या हो जाएगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी कॉस एक्स हो गया। तो नहीं, और ये ए प्लस टू का कॉन्स्टेंट है तो ए की वैल्यू जो मतलब ये तो रह गया रहेगा, ए को तो फाइंड ही करना है अपन को, और प्लस टू वैसे ही रखा और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो ए प्लस टू प्लस 1 तो ए प्लस 3 हो जाएगा और इसका इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। यानी एल हॉस्पिटल कैसे यूज़ करना है ये अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसमें उस रूल से निकाला गया ठीक है। दूसरी जगह पर फिर अपने इसी लिमिट को फाइंड करने की कोशिश की, जहाँ पर बी दिया गया आपको ये रखा और इसके इक्वल टू आगे बी, तो एफ जीरो इक्वल टू बी दिया गया है आपके पास, तो उसे अपन ने और एफ बी ये हुआ और ए टू इतना है तो ए प्लस टू बी की वैल्यू 0 आ गई। तो दैट्स ऑल विच ऑप्शन इज ये 0/4 ऑप्शन है ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपके पास आ गया। ये तो एकदम लड्डू क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का ही लगता है मुझे, है ना, क्योंकि ये जे का कोई लेवल नहीं लगता है। यहाँ पर कितना आ रहा है ये ध्यान रखना है, 2 पाई आ रहा है ना, तो इसको इसको क्या करना है, पाई बाय 2 करना है, और 0 टू 2 पाई 2 होता है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही ये चीज़ करने वाले हैं और ये क्या है ऑड इवन, तो कहने का था कि यहाँ से अपने 0 टू 2 पाई है, तो फिर मैंने क्या किया 0 टू पाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई बाहर आ गया, मतलब 2 पाई का मल्टीप्लाई। सिमिलरली मुझे पाई बाय 2 करना है तो यहाँ पे और पाई बाय 2 आ जाएगा, ये कितना आ गया आपके पास 4 पाई आ गया, और ये रखा और सिंपल इनको ऐड किया तो यहाँ पे जस्ट कितना ये 2 पाई इक्वल टू 4 पाई एंड पाई स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। तो ये तो एक प्रॉपर्टी होती है ऑलरेडी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पड़ी होगी आपने, उस पर बेस्ड जो भी ऑप्शन आएगा टिक कर दीजिएगा, है ना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8th वाला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन है कुछ भी नहीं है, है ना, ये क्या है ये इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, एक्स माइनस 3 है, इन सबको क्या किया इन्होंने कुछ भी नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज किया, एक्स प्लस 4 को बाहर निकाला और इसको अपन ने क्या कर लिया एक्स माइनस 3 अपन एक्स प्लस 4 को सब्स्टिट्यूट कर लिया इक्वल टू लगा के टी से ठीक है, दैट्स ऑल। और यही चीज़ को अपन ने क्या करा फिर सॉल्व करने की कोशिश की, यहाँ पर ऊपर आ रहा है तो ये थोड़ा सा इसको ऐसे करके सॉल्व करा, यानी हमको डी टी की इक्वलेंट चाहिए, ये रखा तो टी के फॉर्म में आ गया, ये टी के फॉर्म में आया, ये वैल्यू रख के एक कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMBT को जस्ट सिंपल किया, एफ सी माइनस एफ ए पांच सी माइनस ए डेट सोल, तो आल्सो LMBT यहाँ पे भी लगाया, ये लगाया और सिंपल एफ का डबल डैश, ये क्या होना चाहिए नेगेटिव आ गया, मतलब मैक्सिमा यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इसका, और इंक्रीज हुआ तो कहने का अर्थ है कि सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग एफ अल्फा और एफ बीटा के बीच में कंपेयर किया, और ये जो चीज़ होगी ये इससे ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि एक्स एफ एक्स जो हो रहा हो क्या हो रहा है इंक्रीजिंग हो रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो तो दैट्स ऑल, है ना। तो अब आप चाहो तो इसको अलग से पढ़ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके आगे बढ़ते हैं स्क्रीनशॉट। और 10वां क्वेश्चन में अगर आपके सामने हिट करूँ तो यहाँ पर रियल रूट्स होने चाहिए इतना, तो क्या करना है ई एक्स इक्वल टू टी रखा और यहाँ से अपन ने जस्ट सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं करा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा और टी के फॉर्म में निकाल निकाल के क्या करा, यहाँ पर टी की जो जो भी वैल्यूज आएगी वो अलग अलग 1/1/2 को अगर जेड की, यानी 2 टाइम सब्स्टिट्यूशन करा और जेड की वैल्यू निकाल ली, फिर उसको टी के टर्म्स में रखा एंड देन फाइनली आपके पास ई के टर्म्स में आ गया, तो एक्स इक्वल टू 0/1 सॉल्व। फ्रेंड्स, अगर आप 9th, 10th या +1 क्लास के अंदर है तो अन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए लेके आया है इंडियाज बिगेस्ट टेस्ट सीरीज USAT। यहाँ दोस्तों अन अकेडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट एवरी संडे को कंडक्ट करवाया जाता है, अब की बार ये 28th of February को कनेक्ट करवाया जाना है दोस्तों। इसके अंदर आप बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं अगर आप कोड यूज कर लेते हैं एग्जाम इन्फो, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और फ्रेंड्स, ये टेस्ट देकर के आप जो है 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। मैं बात करूँ इस टेस्ट की तो दोस्तों ये सेपरेट होता है टेस्ट क्लास 10th और +1 के लिए, आप जो है इसको लाइव अटैम्प्ट कर सकते हो और आप ऑल इंडिया में अपना रैंक जान सकते हो। डिटेल एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाता है। बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, टारगेट कर रहे हैं हम 2023 को और 2022 को, +1 वाले बच्चे 22 को और 10th वाले 23 को। और टोटल स्कॉलरशिप की बात करूँ तो 1 करोड़ रुपये तक की यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैं बात करूँ दोस्तों आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए, क्योंकि जो है यहाँ पर आपको अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, ऑल इंडिया का रैंक पता चल जाएगा, 1 करोड़ रुपये तक की आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। टॉप 2 रैंक को 100% स्कॉलरशिप, 3 से 7 75% स्कॉलरशिप, 8 से 32 रैंक को 50% और 33 से 232 रैंक को 25% स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलने वाली है। एनरोल कैसे करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस तरह का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सर्विस आ जाएगा, वहां से आपको एनरोल वाले बटन पर क्लिक कर देना है और दोस्तों एग्जाम इन्फो कोड आपको जरूर डाल देना है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप यहां से अपना सिलेबस भी नोट कर सकते हैं +1 वाले बच्चे और 9th, 10th वाले बच्चे। साथ में फ्रेंड्स मैं बात करूं, आपको जो है ये वाला कोड अप्लाई करना है एग्जाम इन्फो, जिससे कि आप इसमें फ्री में एनरोल कर पाओगे। टाइमिंग आप यहां पर देख रहे हैं 12 PM से 3 PM आपका ये टेस्ट होने वाला है। साथ में फ्रेंड्स मैं बात करूं, अगर आप IIT JEE के लिए अन अकेडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको कोड यूज़ करना है एग्जाम इन्फो, जिससे कि आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाए।